मध्य प्रदेश से मॉनसून की विदाई के बाद ही प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप और गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों में तापमान में भारी अंतर देखने को मिला है, जिससे लोगों को मौसमी बदलाव का एहसास हुआ है। हालांकि इससे पहले प्रदेश के कई हिस्सों में नए सिस्टम के चलते बारिश भी हुई थी, जिससे मौसम में कुछ राहत जरूर मिली थी। राजधानी भोपाल में बुधवार को हल्की धूप के साथ ही दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। ये मौसम शहरवासियों के लिए कुछ राहत लेकर आया। हालांकि गुरुवार के दिन तापमान आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा दर्ज किया गया, जिससे गर्मी का एहसास हुआ। रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई, जिससे सुबह और शाम के समय ठंडक का अनुभव हुआ, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो सकती है, जो रात के तापमान को और ज्यादा गिरा सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गुना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। ये तापमान प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा गुरुवार को प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो जिले में 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नौगांव का तापमान 36 डिग्री और ग्वालियर का 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का सबसे कम तापमान राजगढ़ जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 20 अक्टूबर के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ने का असर दिखाई देने लगा है। शुरुआती दौर में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच सकता है। ये बदलाव लोगों के लिए राहत का संकेत है, खासकर उन लोगों के लिए जो गर्मी से परेशान थे। हालांकि दिन का तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास होता रहेगा। अक्टूबर के अंत तक दिन के तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है, जिससे सर्दी का मौसम जल्द ही दस्तक दे सकता है। इस मौसमी बदलाव का असर केवल तापमान पर ही नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है। साथ ही इसका असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, सर्दी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जाएंगे। इसीलिए लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में ठंडा का एहसास बढ़ सकता है। इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा, जिससे लोगों की डेली लाइफ पर भी इसका असर होगा। साथ ही सभी को सलाह दी जाती है कि वो मौसम के अनुसार तैयारी करें और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल एटीन।